जी हाँ दोस्तों, स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर किसानों में काफी पॉपुलर है, सभी को मालूम है। अगर आप 50 से 55 के बीच का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, यानी कि 52 HP का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो स्वराज का 855 FE जो है, जिस पर आप विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वराज 855 FE ट्रैक्टर के बारे में, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत इसकी क्या है, तो आइए जानते हैं। लेकिन जानने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, स्वराज 855 FE ट्रैक्टर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं इसके इंजन के बारे में। स्वराज 700 FE जो है 50 से 55 HP श्रेणी का ट्रैक्टर है, यानी कि ये 52 HP का ट्रैक्टर है, जो 3 सिलेंडर और 3360 cc के साथ आता है। इसमें जो है 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया गया है और कूलिंग के लिए वाटर कूल का सिस्टम दिया गया है। इस ट्रैक्टर में 3 स्टेज आयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर दिया गया है और पीटीओ पावर जो है दोस्तों, इसको 42.9 HP है। ये ट्रैक्टर जो है 2000 RPM जनरेट करता है। अब इसके ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसमिशन जो इसका है, कंस्टेंट मेश टाइप का ट्रांसमिशन दिया गया है और इस ट्रैक्टर में हाई और लो सेलेक्टर लीवर के साथ 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर गियर दिए गए हैं और इस ट्रैक्टर में सिंगल और डुअल क्लच का ऑप्शन मिलता है और बैटरी जो है इसकी 12 वोल्ट 99 AH की आती है। अल्टरनेटर और स्टार्टर मोटर भी दिया गया है। अब इसकी स्टीयरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। ये ट्रैक्टर चालक के आराम और बेहतरीन गतिशीलता के लिए हैवी ड्यूटी सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ मैकेनिकल स्टीयरिंग में आता है। साथ ही आपको पावर स्टीयरिंग का विकल्प भी मिलता है। स्टीयरिंग लॉक भी कंपनी ने दिया है। इस ट्रैक्टर में स्टैंडर्ड ड्राई डिस्क टाइप के ब्रेक दिए गए हैं और साथ ही तेल में डूबे हुए ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है। और इस ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्वराज 855 FE में जो है 21 स्पाइलिन वाली पीटीओ आती है, जो 1650 ERPM और 1000 RPM की गति से काम करती है। इस ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ भी मिलती है और मल्टी स्पीड और CRPTO का फीचर्स भी दिया गया है। पीटीओ को सेट करने व पीटीओ को चालू व बंद करने का लीवर ड्राइविंग सीट के साइड में दिया गया है। हाइड्रोलिक्स, तो दोस्तों, स्वराज 755 FE ट्रैक्टर में मिक्स कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ ऑटोमेटिक पोजीशन वाला हाइड्रोलिक 2 लीवर के साथ दिया गया है। हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग क्षमता जो है 1700 किलोग्राम है और लिंकेज के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं और लिफ्ट में चैन की जगह जैक सिस्टम दिया गया है। अब दोस्तों, हम इसके टायर के बारे में जानते हैं। तो स्वराज 755 FE ट्रैक्टर में जो है 2 व्हील ड्राइव में आता है और ट्रैक्टर के अगले टायर जो हैं 6x16 और पिछले टायर जो हैं 14.9x28 साइज में आते हैं। साथ ही अगले टायर 7.50x16 और पिछले टायर 16.9x28 13.6x28 साइज का ऑप्शन भी मिलता है। अब इसके वजन और लंबाई चौड़ाई के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्वराज 755 FE का वजन जो है 2020 किलोग्राम है और ट्रैक्टर की लंबाई जो है 3420 mm, चौड़ाई 1715 mm और ऊंचाई जो है 2275 mm है। और व्हील बेस जो है इसका 2050 mm है और ग्राउंड क्लीयरेंस 400 mm दिया गया है। इस ट्रैक्टर में 60 लीटर का डीजल टैंक भी आता है। अब दोस्तों, इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, स्वराज 855 FE ट्रैक्टर की कीमत 7,80,000 रुपये से लेकर 8,10,000 रुपये निर्धारित की गई है। ये कीमत जो है आपके राज्य व शहरों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और साथ ही दोस्तों, ट्रैक्टर पर 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो रहा स्वराज का एक दमदार ट्रैक्टर जिसके बारे में आपने जाना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।